मध्यपूर के दो प्रतिद्वंदी देश ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संकेत दिया है। 7 साल पहले दोनों देशों ने भारी विवाद के बाद अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे। चीन में सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों के बीच चली 4 दिन की बातचीत के बाद कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की अप्रत्याशित घोषणा हुई। सऊदी अरब में एक जाने माने शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद रियाद स्थित सऊदी दूतावास में ईरानी प्रदर्शनकारी घुस आए थे। साल 2016 में इस घटना के बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। मध्यपूर्व में वर्चस्व की होड़ वाले दोनों देश एक दूसरे को अपने लिए खतरा मानते रहे हैं। सऊदी अरब लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि हूती विद्रोही ईरान की मदद से उस पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब जिन हमलों की बात करता रहा है उनमें सबसे गंभीर था साल 2019 में उसके बड़े तेल संयंत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से किया गया वार। इस हमले में इन तेल संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ था और इससे सऊदी का उत्पादन बाधित हो गया था। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ईरान का कहना था कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन पिछले शुक्रवार को दोनों देशों का बयान काफी अहम है। दोनों देशों ने कहा कि वे 2 महीनों के अंदर अपने अपने दूतावास खोल देंगे, साथ ही वे व्यापारिक और सुरक्षा संबंध दोबारा स्थापित करेंगे। अमेरिका ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है, लेकिन उसने सतर्क टिप्पणी भी की है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में तनाव घटाने के लिए ऐसी किसी भी पहल का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया है। उनके प्रवक्ता ने कहा, गुटेरेश ने कहा है कि वो खाड़ी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदद के लिए तैयार हैं। इसराइली सरकार ने इस समझौते पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस फैसले को इसराइल के लिए खतरनाक बताया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से इसराइल उस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने का समर्थक रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच इस समझौते ने मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया को चकित किया है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इस मामले में चीन की एंट्री बेहद दिलचस्प है। ये समझौता चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी की मध्यस्थता में हुआ है। इसे मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को इस क्षेत्र में अमेरिका की घटती दिलचस्पी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन सऊदी अरब और इस क्षेत्र के कुछ दूसरे देशों को लगता है कि वे अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। इस क्षेत्र के देश ये देख चुके हैं कि अरब स्प्रिंग के दौरान किस तरह अमेरिका ने मिस्र के होस्नी मुबारक सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अरब देशों ने ये भी देखा है कि रूस ने सीरिया की असद सरकार का किस तरह साथ दिया, जबकि उनके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले थे। इसके अलावा जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी विदेश नीति में पूर्वी इलाके और एशिया पैसिफिक क्षेत्र को तवज्जो देने का ऐलान किया, तो अरब देशों को लगा कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका पर और ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका अभी भी सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश है और हथियारों के मामले में उसका प्रमुख सप्लायर भी है, लेकिन अब अरब देश अपने राजनयिक रिश्तों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चीन की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ है उसे न तोड़ना खाड़ी में दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।